नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो पिछले दो लेक्चर में हमने प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है दोस्तों, और आज का तीसरा लेक्चर होगा हमारा प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लान ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में। इसके पहले एक प्रमोटर हमने देख भी लिया है, जो प्रमोटर है हमारा ऑक्सिन एज अ प्लांट हार्मोन प्रमोटर, हमने पहले ही देख लिया है। तो आज बात करते हैं दोस्तों एक अगले प्रमोटर के बारे में, पर उसके पहले कुछ हमारा पॉइंट बाकी था, एक दो पॉइंट बाकी थे, उनके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हमारे जो पॉइंट बचे हुए थे उनमें से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज कॉल्ड एज डी डिफ्रेंशिएशन, व्हाट इज कॉल्ड एज री डिफ्रेंशिएशन, व्हाट इज कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएशन, ये सब जो प्रोसेसेस होते हैं ना प्लांट के अंदर, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि पहले तो होगा हमारे पास सेल का डिवीजन। ठीक है, हमारे पास तो होना चाहिए पहले क्या, सेल का डिवीजन। ठीक है, तो पहले जो भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म के सेल्स, ठीक है, अगर मान लो कि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर भी है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो सेल डिवीजन तो हमने ठीक है बहुत बार भी पढ़ लिया है, तो अभी देखते कि व्हाट इज द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि सेल का मल्टीप्लिकेशन होना। क्या होना दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, जिसे ही हम क्या कहेंगे, मतलब क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म के सेल का नंबर क्या होगा, यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज होगा। सेल का नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। ओके, तो सेल डिवीजन के बाद आते हैं कि एक नेक्स्ट फिनोमेनन होता है वहां पे, दैट विल बी अबाउट कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन। देखिए दोस्तों, सेल डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द परमानेंट चेंज इन द सेल, परमानेंट और एक क्वालिटेटिव चेंज होता है दोस्तों, क्वालिटेटिव चेंज इन सेल, क्वालिटेटिव चेंज किसमें, सेल के अंदर, इन सेल। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज होता है नॉर्मल सेल और डिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे, वो बात भी देखना जरूरी है। ठीक है, कि नॉर्मल सेल के अंदर मान लो कि नॉर्मल सेल है हमारे पास है कोई, और जो सेल अभी बन रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, देखिए नॉर्मल सेल का केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आप मान के चलिए, बायोकेमिस्ट्री ये अलग होगा, कहां पे चेंज हो जाएगा डिफरेंशिएटेड सेल में, यहाँ पे क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री का चेंज होना कि मतलब क्या हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री में क्या आएंगे, ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स आएंगे वहां पे, बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल में कौन आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, न्यूक्लिक एसिड आएंगे, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या फैटी एसिड या लिपिड होंगे, ठीक है, विटामिन्स हो गए या अदर कुछ मॉलिक्यूल जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल कहेंगे, इन सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि यहाँ पे चेंज आ जाएगा। चेंज किस डायरेक्शन में होगा, अगर इसकी बात करते तो चेंज होगा उनके अमाउंट में, किस में चेंज होगा, उनके अमाउंट में। देखिए देखिए दोस्तों कि नॉर्मल सेल से डिफरेंशिएटेड सेल्स अलग क्यों होती है, क्योंकि वहां पे बायोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल चेंज होता है, बल्कि यहाँ पे सेल का, ठीक है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर, मान लो कि आपके पास जो भी, ठीक है, ओरिजिनल सेल में, नॉर्मल सेल में जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स में उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, उसके बाद सेल का अपीयरेंस, ठीक है, एक्चुअली अपीयरेंस भी किस में हम इंक्लूड करेंगे, चेंज में, मतलब स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड करेंगे, उसमें भी चेंज आता है। ठीक है, उसके साथ हम सेल का बिहेवियर अगर बोलते हैं, बिहेवियर, तो सेल के बिहेवियर में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, सो अगर ऐसे बहुत सारे चेंजेस नॉर्मल सेल टू डिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या हो जाएंगे, आ सकते हैं, तो इन्हीं सेल्स को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या है कि स्पेशलाइज होना। डिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या है कि वहाँ पे सेल का स्पेशलाइजेशन होना। अगर सेल स्पेशलाइज हो रही है हमारे पास, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड एज
डिफरेंशिएशन। मान लो कि हमारे पास कोई एक स्टेम सेल है, अगर इसका डिवीजन होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि अलग से सेल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो कि इनका भी अगर डिवीजन होता है तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ नए सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इन सेल्स अभी जो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि अगर ये सेल भी अगर यहाँ पे डिवाइड होता है और एक, ठीक है, अपने प्रिकर्सर सेल से कुछ अलग सेल्स का फॉर्मेशन अगर यहाँ पे हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सेल का स्पेशलाइजेशन हो गया। यहाँ पे क्या कहेंगे, सेल का स्पेशलाइजेशन हो गया। मान लो कि ये सेल जो है हमारे पास, मान लो कि एम्ब्रियोनिक सेल है, किसकी सेल है हमारे पास, ए एम्ब्रियो की सेल, और मान लो कि ये जो फाइनल सेल है हमारे स्किन का सेल है, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे इन दोनों चीज में डिफरेंस होना होता होगा, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्किन सेल, ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्किन सेल। क्यों, किस बारे में, क्योंकि स्किन सेल का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसका फंक्शन होगा, उसके जो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है, पहले सेल से डिफरेंट होंगे, तो इसीलिए हम इन सेल को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये क्या होगा, डिफरेंशिएटेड सेल्स होने चाहिए, ठीक है। सो डिफरेंशिएटेड सेल्स विल कम फ्रॉम द अदर प्रीकर्सर सेल। कहां से आएंगे वो, अपने पहले पुराने सेल से आएंगे, पेरेंटल सेल से आएंगे, बट पेरेंटल सेल का फंक्शन एंड न्यू डॉटर सेल का फंक्शन अगर डिफरेंट होता है, या स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, या बाकी का बायोकेमिस्ट्री अगर उनका चेंज होता है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि क्या हो रहा है, कि सेल का स्पेशलाइजेशन हो रहा है या सेल डिफरेंशिएट हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब अगर हम प्लांट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट के अंदर कौन से सेल होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से होने चाहिए, ठीक है। देखिए प्लांट का ग्रोथ भी हमें देखता है कि पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन बनेगा वहां पे, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। प्लांट के एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल्स अलग होते हैं प्लांट के। देखिए कि अगर प्लांट का लीफ अगर देखा जाए, ठीक है, या यहाँ पे हम बड़ की बात करते हैं, प्लांट के बड़ की बात करते हैं, ठीक है, अगर प्लांट के फ्लावर की बात करते हैं, या ठीक है, ठीक है, इंटरनल कुछ अगर टिश्यू है प्लांट के अंदर, जैसे कि वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम, या मान लो कि हमारे पास कुछ रूट के टिश्यूज है, यहाँ पे रूट के टिश्यूज है, मान लो कि हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स है, कौन से सेल है, पैरेन्काइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा, ठीक है, कोलेन्काइमा होगा, एरेन्काइमा होगा, ठीक है, ये ऑल सेल्स, दीज ऑल सेल्स आर डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम द विच सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल से बाकी के सेल कैसे होंगे, ये अलग होंगे, हर डायरेक्शन में अलग होंगे, हर एस्पेक्ट में इनमें चेंज आएगा। कौन से एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, तो हमने बात किया था कि उनका बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, अलग होगा, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा इनका, ठीक है, अपीयरेंस अलग होगा, और फंक्शन भी क्या होगा इनका, अलग होगा, अपने पेरेंटल सेल से उनका फंक्शंस भी अलग होगा। तो इन्हीं सेल को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे मौजूदा सेल्स को क्या कहेंगे हम, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स कहेंगे, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। सो आपका पहला पॉइंट जो है डिफरेंशिएशन का, शायद अगर मतलब यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। डिफरेंशिएशन में एक ही बात आपको याद रखना है कि जो नए फॉर्म डॉटर सेल्स हैं, न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स, दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंटल सेल इन एस्पेक्ट, इन वेरियस एस्पेक्ट लाइक देयर बायोकेमिस्ट्री, देयर अपीयरेंस, देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन, बहुत सारी चीजों में वो दूसरे से क्या होंगे, अलग हो सकता है। सो दिस सेल्स आर नोन एज डिफरेंशिएटेड सेल्स। देखिए डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या हो सकते हैं कि दिस आर द परमानेंट सेल भी हो सकता है, जो सेल डिफरेंशिएट हो गए अभी हमारे पास, दिस सेल्स में भी द परमानेंट सेल्स, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि परमानेंट चेंज हो रहा है सेल के अंदर, क्या हो रहा है, एक परमानेंट चेंज हो रहा है किन के अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं इनको कि दिस आर द परमानेंट सेल्स, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होता है कि सर डिफरेंशिएशन या एंड डी डिफरेंशिएशन में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब बहुत ही बारीकी से आपको इस चीज को पढ़ना है या, ठीक है, समझ के लेना है आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी डिफरेंशिएशन। देखिए डी डिफरेंशिएशन में क्या हो सकता है कि मान लो कि हमारे पास, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थे पहले, कौन सी सेल थी, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। फिर क्या हो रहा है कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स किस चीज में मतलब कन्वर्ट हो रहे, डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, उनका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन, उनका क्या हो रहा है,
डिफरेंशिएशन। अगर मान लो कि जो सेल हमारे पास डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अगर उनका वो डिफरेंशिएशन अगर लॉस कर दे, मतलब क्या है कि इनमें लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन अगर आ रहा है, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन हो रहा है अगर इनमें, तो हम क्या कहेंगे कि सेल क्या हो रहे हैं कि डी डिफरेंशिएट हो रहे हैं। बहुत ही ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि मान लो कि हमारे पास एक कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इसको मानते हैं कि हमारे पास कोई एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब क्या है कि इस सेल की प्रॉपर्टी या पोटेंशियल इतनी हो सकती है कि ये किसी भी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तभी जाके हम इन्हें क्या कहेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे। ठीक है, अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल का अगर डिफरेंशिएशन हो जाए, ए सेल अगर बी सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ए सेल विद, ठीक है, ए सेल का जब डिवीजन हो गया उससे जो सेल बनी है, ठीक है, तो इन दो सेल के अंदर अगर डिफरेंस आता है तो हम क्या कहेंगे इन्हें, ठीक है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लो कि जो सेल अब परमानेंट चेंज हो गई है या जिसमें जिसके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका था, उस सेल्स ने अपना डिफरेंशिएशन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, उस सेल का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर सेल का डिफरेंशिएशन लॉस होता है तो फिर से सेल किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला जाएगा। सेल क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला जाएगा सेल। सो मतलब क्या है कि ओरिजिनली हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल थी, इसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएट हो चुके थे, जो डिफरेंशिएट हो चुकी जो सेल है, अगर वो अनडिफरेंशिएट फिर से हो रही है, तो उस सेल को हम क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएटेड सेल, उसे क्या कहेंगे हम, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। जो सेल स्पेशलाइज हो चुकी थी, उसका स्पेशलाइजेशन फिर से अगर गायब हो रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, डी डिफरेंशिएशन। आप बोलोगे कि सर कोई एग्जांपल है हमारे पास, तो है एग्जांपल हमारे पास डी डिफरेंशिएशन के, ठीक है। जैसे कि मान लो कि दोस्तों कॉर्क कैम्बियम हमारे पास कौन होते हैं, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम के सेल्स, या उंड कैम्बियम के सेल्स होंगे, उंड कैम्बियम प्लांट के अंदर उंड कैम्बियम के सेल्स, इनमें भी क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन आपको दिखाई देता है। और एक एग्जांपल है हमारे पास इंटरफेसिकुलर सेल्स, ठीक है, ये आगे जाके इनके बारे में हम पढ़ भी लेंगे, तभी तब तक आपको इनके एग्जांपल याद रखना है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। देखिए अब थोड़ा सा ठीक है बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन इज अ जेनेटिक फेनोमेनॉन, ठीक है। देखिए फिर से एक बात करेंगे हम, ठीक है, मान लो कि एक सेल है हमारे पास और ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में दोस्तों, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में, ठीक है, ए सेल, ठीक है। मान लो कि इस सेल में बहुत सारे जीन्स क्या है, एक्टिव है। अगर नंबर ऑफ जीन्स इसमें एक्टिव है, मान लो कि स्मॉल ए जीन भी एक्टिवेटेड, बी जीन, सी डी जी, ई जीन, ये सब जीन्स क्या है, इनमें एक्टिवेट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के कौन आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, पहले तो आरएनए आएंगे, तो बाद में क्या होगा, ट्रांसलेशन से उसमें प्रोटीन आएगा। अगर प्रोटीन्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, सेल का फिनोटाइप कंट्रोल करेंगे, सेल का क्या कंट्रोल करेंगे, फिनोटाइप को ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर ये नंबर ऑफ जीन्स इस सेल में अगर एक्टिवेट होते हैं, तो यहाँ पे इस सेल का फिनोटाइप थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। पर अगर ये सेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला जाए, मतलब क्या है कि उसमें डिवीजन हो रहा है, डिवीजन के बाद अगर ये सेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला जा रहा है, ए सेल से अगर मान लो कि कोई एक बी सेल प्रोड्यूस हो गया, तो क्या वहां पे सेम जीन एक्टिवेट रहेंगे, ये सभी के सभी जीन वहां पे क्या एक्टिवेट रहेंगे। हो सकता है कि सभी के सभी जीन एक्टिवेट हो, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं कि मान लो कि इस सेल में, ठीक है, ए जीन भी एक्टिवेट है और मान लो कि बी जीन इनएक्टिवेट हो गया है, ठीक है, पर सी जीन क्या हो रहा है कि एक्टिवेट फॉर्म में, और डी जीन मान लो कि कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में, और ई जीन मान लो कि कैसा है, यहाँ पे एक्टिव फॉर्म है। मतलब क्या है कि इन दो सेल्स के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है ना, इन दो सेल के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है जीन के एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन की वजह से। सो आपको हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन इज अ जेनेटिक फेनोमेनॉन, एक ऐसा फेनोमेनॉन होता है, जेनेटिक फेनोमेनॉन आपको दिखाई देता है, ठीक है। सो अगर जीन्स में, मतलब क्या है कि जीन्स में एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन, नंबर ऑफ जीन्स तो सेम रहेंगे, बट उनका एक्टिवेशन में भी डिफरेंट रहा, मतलब रहता है इन दो सेल के अंदर, तभी जाके दो सेल्स एक दूसरे से क्या हो गए, डिफरेंशिएट हो सकती है, ठीक है।
शायद आपको ये बात पता चल गया कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिफरेंशिएशन। आगे जाके हम बात करेंगे कि ठीक है कि देखिए कि मान लो कि हमारे पास ए सेल थी, ए सेल का डिवीजन हो गया यहाँ पे, फिर से ये कोई ए सेल आ गया और मान लो कि हमारे पास ये कोई दूसरा सेल आ रहा है, इन दो सेल के अंदर जीन्स का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सेल क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया। अगर डिफरेंशिएटेड सेल्स अपना डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लॉस करके, डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी अगर लॉस करके फिर से अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में अगर चले जाती है, फिर से अपने अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में अगर चले जाती है, सो दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन, दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। बहुत आसान फेनोमेनन है। मतलब क्या है कि मान लो कि इस सेल को आप ठीक है एम्ब्रियोनिक सेल कहो, कौन सा सेल कहोगे आप, एम्ब्रियोनिक सेल को, कोई बात नहीं, इसको आप एम्ब्रियोनिक सेल भी कह सकते हो प्लांट का। और मान लो कि ये जो बी सेल एम्ब्रियो से ही होके जो सेल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, मान लो कि ये प्लांट के लीफ का सेल है, प्लांट के लीफ का सेल है, दिस इज कॉल्ड एज लीफ सेल। अब आपको पता चल रहा होगा कि इन दो सेल में बहुत सारे एस्पेक्ट में डिफरेंस होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट में इनमें डिफरेंस होता है। तो अगर इस फेन मतलब क्या है कि एम्ब्रियोनिक सेल से कौन सी सेल आ रहे, लीफ सेल आ रहे, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिफरेंशिएशन। अगर मान लो कि लीफ से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर से सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में जा रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, ध्यान से याद रखना इस बात को, दिस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। हर एक को ये बात समझ में आनी चाहिए, जो भी लोग चैनल को सुन रहे मतलब इस वीडियो को देख रहे। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए इससे भी ज्यादा बढ़िया और भी वीडियो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। ओके, तो बात हम कह रहे थे यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन के बारे में। बहुत आसान बात है, एम्ब्रियोनिक सेल से कौन आ रहा था, लीफ सेल आ रहे थे। लीफ सेल से अगर फिर से हमें एम्ब्रियो बनाना है, तो आप कहोगे कि यार सेल लीफ से कैसे फिर एम्ब्रियो बनाया जा सकता है। बहुत आसान है दोस्तों कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम देखते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हमें चीज पता है, देयर इज अ कैलस फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा है, कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, कैलस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई एक्सप्लांट या लीफ का एक सेल अगर हम ले ले और इस सेल को हम अगर ठीक है कल्चर मीडियम में रख देते, कल्चर मीडियम में अगर रख देते, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते सेल को, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स का बनना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो एक सेल का मास लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, और ये मास लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, दैट इज नोन एज कैलस, दैट इज नोन एज कैलस, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। ये क्या होगा, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, और इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द सेल। मतलब क्या है कि एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है कि इससे फिर में फिर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे फाइटोहार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन देते हो, तो प्लांट यहाँ पे क्या होगा कि कैलस से प्लांट भी ग्रो करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं हम, प्लांट भी ग्रो करा सकता है। अगर कैलस से प्लांट आता है, तो एम्ब्रियो से भी क्या हो रहा है कि प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे अंदर सेम चीजें हो रही है ना। ठीक है, अगर लीफ को हम कैलस में कन्वर्ट करते हैं और कैलस को फिर से एक प्लांट में कन्वर्ट करते हैं, तो कैलस के अंदर तो कौन सी प्रॉपर्टी है, अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि कैलस कैसा है, अनडिफरेंशिएटेड है। मतलब क्या है कि एम्ब्रियोनिक सेल्स भी कैसे थे हमारे पास, अनडिफरेंशिएटेड, पर कैलस कहाँ से मतलब किस चीज से हमने बनाया था, डिफरेंशिएटेड पार्ट से हमने कैलस को बनाया था। मतलब क्या है, अगर डिफरेंशिएटेड सेल्स अपना प्रॉपर्टी लॉस करके फिर से अगर अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में चले जाते, तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे हम, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। बोला था ना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये बात हो गया अभी डिफरेंशिएशन के बारे में। अब बात करते ठीक है डी डिफरेंशिएशन के बाद बात करते हम रीडिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा होके आना पड़ेगा हमें इस कॉन्सेप्ट के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास अभी, रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन ये भी बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, पहले तो हमें बात ये करना होगा कि हमारे पास कौन सी सेल थी। ठीक है, मान लो कि ए सेल है हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में दोस्तों, ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में। ठीक है, मान लो कि अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म वाली जो सेल है ना, जो सेल है यहाँ पे, अगर इसका कन्वर्जन होता है किसी एक अलग सेल में। ठीक है, मान लो कि यहाँ से एक सेल आ गया। ठीक है,
पर अब ये सेल अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में नहीं है, अब ये सेल पहले सेल से क्या है कि अलग बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, अगर डिफरेंशिएटेड सेल अपना प्रॉपर्टी अगर लॉस करती है तो वो क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएट। अगर डी डिफरेंशिएट वाली सेल फिर से देखिए, अगर डी डिफरेंशिएट ठीक है जो सेल हो गए थे, अगर फिर से वो अपना डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी अगेन अचीव कर लेती है तो दैट इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन, दैट इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। देखिए एक ही जगह पे बात घूम घूम के आ रही है आप पे, ठीक है, फिर से आपको बता दे, मान लो कि हमारे पास कोई ए सेल है अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है, उससे क्या हो गया कि उसका डिफरेंशिएशन होके हमारे पास कौन आ गया, बी सेल आ गया, बी सेल ने अपना डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी लॉस करके फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में अगर चली जाती है तो प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। पर जो सेल डी डिफरेंशिएशन में गए थे, अगर वो फिर से अपना डी डिफरेंट ठीक है डिफरेंशिएशन वाला प्रॉपर्टी अगर अचीव कर लिए थे ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे हम, रीडिफरेंशिएशन, क्या कहेंगे हम, रीडिफरेंशिएशन। चलो इसको और थोड़े आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल, मान लो कि कौन है हमारे पास, एक एम्ब्रियोनिक सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल से कौन बन गया हमारे पास, लीफ बन गया, ठीक है, फिर लीफ ने क्या कर दिया कि अपना ठीक है, लीफ से हमने क्या बनाया, कैलस बनाया, ठीक है, कैलस किसके जैसे काम करेगा, एम्ब्रियो के जैसे काम करेगा, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। अब कैलस से हम क्या बना सकते हैं, फिर से हम लीफ को फॉर्मेशन कर सकते हैं, या आप मान लो कि रूट का फॉर्मेशन कर सकते हो, या मान लो कि आप शूट का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कैलस जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में था फिर से डिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला जा रहा है ना, कैलस जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में था फिर से क्या हो रहा है, वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिफरेंशिएशन हो रहा है। दोस्तों बहुत आसान बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत आसान बात शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ज्यादा बार बोल के हम इसको कंफ्यूज नहीं कराएंगे, यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करेंगे, पर यहाँ पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर हमारे पास ठीक है जाइलम एलिमेंट हो गया, सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट, सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ, सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ रीडिफरेंशिएशन। जैसे कि मान लो कि सेकेंडरी फ्लुएम एलिमेंट अगर है हमारे पास, वो भी क्या हो रहा है, किस चीज का एग्जाम्पल हो रहा है, रीडिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन ठीक है, डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल कौन थे हमारे पास, कॉर कैम्बियम, वुंड कैम्बियम, और कौन सा था हमारे पास, इंटरफेसिकुलर सेल्स था। इन बातों को याद रखना है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन, और अभी जो हमने बात किया था, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रीडिफरेंशिएशन। दोस्तों आपको ये बात समझनी है, ठीक है, हो सकता है कि अभी तक आपको समझ में भी आया होगा। नाउ वी आर डीलिंग विद सम पार्ट। देखिए प्लांट का अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसको मेजर करना भी बनता है ना, तो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर प्लांट ग्रोथ, टू मेजर प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को मेजर करने वाले कौन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले तो सबके पास एक नॉर्मल सा एग्जांपल आएगा, दैट विल बी ऑक्सीनोमीटर। इसमें भी दो टाइप हो सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीनोमीटर एक होगा आर्क ऑक्सीनोमीटर और दूसरा होता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑक्सीनोमीटर। इसका यूज करके क्या करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, प्लांट का ग्रोथ का रेट मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ रेट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्रोथ रेट को मेजर करने के जो यूनिट है हमारे पास, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, पहला तो है हमारे पास ऑक्सीनोमीटर। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, बोस क्रेस्को मीटर,
इसका भी यूज कर दिया जाता है ग्रोथ को मेजर करने के लिए। तीसरा भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसका यूज कर दिया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप या इसे हम दूसरे के नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप भी आप कह सकते हो इसे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। उसके बाद स्पेस मार्कर डिस्क, स्पेस मार्कर डिस्क, इस इंस्ट्रूमेंट का भी आप यूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। पहले तो हमने बात किया था ऑक्सीनोमीटर के बारे में, क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम ऑक्सीनोमीटर कहते हैं, ठीक है, उसमें दो टाइप होंगे, एक आर्क ऑक्सीनोमीटर और दूसरा होगा ऑटोमेटिक ऑक्सीनोमीटर। दूसरे का नाम है बोस क्रेस्कोग्राफ भी कह सकते हैं या मीटर भी कह सकते हैं, क्रेस्कोग्राफ या मीटर भी कहोगे, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप या ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, और लास्ट होगा हमारे पास स्पेस मार्कर डिस्क। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच वी आर यूज फॉर द टू मेजर द ग्रोथ। उसके बाद बात करते हैं हम प्लांट का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। प्लांट के प्लास्टिसिटी के बारे में, प्लास्टिसिटी, ठीक है। देखिए दोस्तों कि प्लास्टिसिटी क्या होता है इसके बारे में पहले तो जान लेंगे हम। प्लास्टिसिटी इज अ फेनोमेनॉन वेयर द, ठीक है, इफ देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट देन देयर विल बी चेंज इन द, ठीक है, पाथवे ऑफ द प्लांट, ठीक है। मान लो कि किसी प्लांट का अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो प्लांट के पाथवे भी क्या होंगे, वहां पे पाथवे भी क्या होंगे चेंज। यहाँ पे पाथवे को हम क्या मानेंगे, थोड़ा सा फिनोटाइप मान लेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पे फिनोटाइप। सो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं तैसे प्लांट के अंदर भी क्या होंगे, चेंज आएंगे। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट विल डिनोट द प्लांट प्लास्टिसिटी, इसे क्या कहेंगे हम, प्लांट का प्लास्टिसिटी, दैट इज नोन एज प्लांट प्लास्टिसिटी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि दोस्तों एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई एक प्लांट है, मतलब कि कॉटन का प्लांट है, कॉटन प्लांट, इसके लाइफ के दो स्टेजेस अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक जुवेनाइल स्टेज और दूसरा स्टेज जो हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी द अडल्ट स्टेज, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जुवेनाइल स्टेज में जो कॉटन प्लांट होते हैं ना उनके लीफ का स्ट्रक्चर, उनके अडल्ट, ठीक है, अडल्ट फॉर्म से बहुत ही क्या हो सकता है कि अलग होता है लीफ का स्ट्रक्चर। मान लो कि यहाँ पे कुछ आपको न्यारो लीफ दिखाई देंगे, न्यारो, और यहाँ पे थोड़े से ब्रॉड लीफ आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जुवेनाइल स्टेज या यंग स्टेज में प्लांट के जो लीफ होते हैं ना वो थोड़े से अलग स्ट्रक्चर के होंगे, एंड अडल्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि वो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। पर अब हम बात करेंगे कि मान लो कि जुवेनाइल स्टेज में जो एनवायरनमेंट था वो एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट था, जैसे प्लांट अडल्ट हो रहा है तो हो सकता है कि वहां पे एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। अगर एनवायरनमेंट के साथ वो क्या कर रहा है कि अपने फिनोटाइप को भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट, ठीक है, टू चेंज विद द एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। प्लांट की क्या हो सकती है, वो प्लास्टिसिटी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। लार्क्स पर प्लांट भी हमारे पास है और कोरिएंडर प्लांट भी, उसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं कोरिएंडर प्लांट, एंड दूसरा भी एक एग्जांपल है लार्क्स पर विच शोज द प्लास्टिसिटी, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी उनमें भी दिखाई देती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आज हमने तीन पॉइंट देख लिए यहाँ पे, ठीक है। पहला पॉइंट था कि व्हाट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, दूसरा पॉइंट था हमारे पास डी डिफरेंशिएशन, तीसरा पॉइंट था हमारे पास री डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमने देख लिया था, उसके बाद शायद हमने देख लिया था कि व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ग्रोथ, जिसमें हम ऑक्सीनोमीटर का बात किया थोड़ा सा, उसके बाद बोस क्रेस्कोग्राफ के बारे में हमने पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप या ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, एंड स्पेस मार्कर डिस्क के बारे में भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट एक कवर कर लिया है अभी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, प्लांट डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, ठीक है। ये भी क्या होता है ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया।
तो इसके साथ आज का लेक्चर यहाँ पे ठीक है रोक देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, अब सोना पड़ेगा, रात के 11:30 बज रहे हैं अभी। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, जिसका नाम है जिबरेलिक एसिड। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा और बहुत सारी कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीखते रहोगे। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, लाइक भी कर दीजिएगा, और अब पहली बार अगर आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।